नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जो है विज्ञापन जारी किए गए हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, कृषि पर्यवेक्षक का सीधी भर्ती 2021 जो है वो फॉर्म ऑनलाइन होने की डेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो जारी कर दिए गए हैं ब्राउचर। जिसमें जो है टोटल पदों की संख्या जो है 842 पद हैं, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 842 सीट है और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 40। कुल टोटल पदों की संख्या जो है वो 882 सीट है। तो टोटल पद जो हैं वो 882 पदों के लिए जो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी जो है वो जारी कर दी गई। तो इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 16 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स हम देख लेते हैं। परीक्षा शुल्क कितना रहेगा? तो परीक्षा शुल्क जो है वो 450 रुपया है। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, क्रीमी लेयर से के अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सभी का जो है 450 रुपया फीस रहेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कृषि पर्यवेक्षक के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार कैसे है। टोटल सामान्य वर्ग का 217 है, जिसमें सामान्य महिला की 62 सीट है, विधवा की 24 सीट है, परित्यक्ता की जो है वो 6 सीटें हैं। अनुसूचित जात में सामान्य 94, सामान्य महिला 27, विधवा परित्यक्ता 2, अनुसूचित जनजाति में सामान्य 70 की है, सामान्य महिला उसमें में से 20 सीट महिला के लिए आरक्षित है। तो इस तरीके से आरक्षण भी इसमें दिया गया है। तो टोटल जो पदों की संख्या 882 है। इसमें देख लेते हैं ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, फॉर्म को सबमिट करने का सिलेबस क्या रहेगा, इन सभी के बारे में देखते हैं। इसमें विशेष योग्यजन निःशक्तजनों के लिए जो है वो उनको छूट दी जाएगी। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश है और वेतनमान जो है वो राज्य सरकार द्वारा दिए 7वें वेतन आयोग के अनुसार कृषि पर्यवेक्षक का वेतन प्रे मैट्रिक्स लेवल 5 पर निर्धारित की जाएगी। परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार जो है वो दिया जाएगा। तो परीक्षा काल में जो है मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के निर्देशानुसार दिए जाएंगे। अन्य शर्तें, सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परीक्षाधीन प्रशिक्षु की ओर परीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। तो पात्रता जो है इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी कृषि या बीएससी उद्यान से ऑनर्स होना चाहिए, अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक या पुरानी योजना का अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक शिक्षा जो है वो होना चाहिए। तो 10+2 एग्रीकल्चर से जो लोग हैं उनको वो लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या बीएससी एजी या उद्यान विभाग से जिन्होंने बीएससी कर रखा है वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसे अभी मामला हो, तो ये अभी कन्फर्म नहीं है कि साक्षात्कार होगा या नहीं। अन्य योग्यताएं जो हैं, स्वास्थ्य कृषि पर्यवेक्षक पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए। वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना नहीं चाहिए। राष्ट्रीयता जो है भारत का नागरिक हो या नेपाल का प्रजानक हो, भूटान का हो, तो ये लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा जो है वो 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु जो है वो पूरा कर सका लिया हो मिनिमम जो है, और मैक्सिमम जो है 40 वर्ष का होना चाहिए। पर जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई है और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भात या आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा। परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम, कृषि पर्यवेक्षक के पदों पर सीधी भर्ती और परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार है। प्रथम प्रश्न पत्र का भाग जो है विषय का नाम इसमें दिए गए हैं। प्रथम प्रश्न पत्र भाग एक में सामान्य हिंदी से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग सेकंड में 25 क्वेश्चन जो है राजस्थान सामान्य विज्ञान इतिहास एवं संस्कृत से रहेगा। इसके बाद भाग थ्री में जो है सस्य विज्ञान एग्रोनॉमिक्स 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर 20 क्वेश्चन रहेंगे और एनिमल डेयरी से जो है वो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या जो है वो 100 रहेगी और एक प्रश्न पे 3 अंक मिलेंगे। टोटल पूर्णांक जो है वो 300 का होगा। वैकल्पिक प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 100 होगी, प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक होंगे, अधिकतम पूर्णांक 300 अंक होगा। प्रश्न पत्र की अवधि जो है वो 2 घंटे की होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो ये सिलेबस है यूपी